नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज। बांका की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के अमरपुर कजरेली रोड में डुमरामा के बीच अज्ञात बदमाश लड़कों द्वारा एक ट्रक ड्राइवर को जख्मी कर उससे 65,000 रुपये लूट लेने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप स्वयं ट्रक चालक ने अमरपुर थाना पहुंचकर पुलिस के समक्ष लगाया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नवादा का एक ट्रक ड्राइवर रामचंद्र यादव पूर्णिया में बालू अनलोड करने के बाद इस पर फिर से बालू लोड करने के लिए मंगलवार की रात बांका आ रहा था। भागलपुर अमरपुर रोड में अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ैल से आगे आकर उसे इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि डुमरामा के पास जाम लगा था। ड्राइवर ने पुलिस के समक्ष बताया है कि इसी बीच दो तीन लड़के उसके पास आए और पहले उन्होंने उससे दुर्व्यवहार करते हुए 500 रुपये मांगे। ट्रक ड्राइवर रामचंद्र यादव का कहना है कि उसने उन लड़कों से कहा कि 500 रुपये लेना ही है तो इंसानियत से बात करो। फिर तो लड़कों ने जबरदस्ती उसे ट्रक के अंदर ठेल दिया और मारपीट कर उसे जख्मी करते हुए उसके 65,000 रुपये छीन लिए। हालांकि स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक झोल यह भी आ रहा है जो ड्राइवर के आरोप से मेल नहीं खाता। कुछ लोगों के मुताबिक ट्रक ड्राइवर गढ़ेल के पास किसी को धक्का मारकर भाग रहा था, लेकिन डुमरामा में जाम होने की वजह से वह बीच में ही फंस गया। कुछ ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी जिसमें वह जख्मी हो गया। बहरहाल मामला जो भी हो, पुलिस ट्रक ड्राइवर के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। अगर इस मामले में कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। जाम में गाड़ी था, 10 से 3 को आदमी आया, उसको बाद में बोला अंदर चलो, बोला अंदर कहा जाए, हाथा बाएँ करने लगा, बोला 500 रुपये, हम की इंसानियत से 500 ले लो यार, ऐसे काहे करता, पैसा निकालने लगा, ठेल दिया अंदर, अंदर में मार पीट के पैसा सब छीन। कितना पैसा छीना? वही 65,000। और क्या छीना? मोबाइल वगैरह? ना, मोबाइल नहीं। कहाँ पर यह घटना घटा? हाँ जी, कहाँ पर घटना घटा? डुमरामा बाजार से पीछे। डुमरामा से आगे? पीछे। इधर से जाएंगे तो आगे, उधर से आएंगे तो पीछे। पीछे। आप कहाँ से आ रहे थे? हम आ रहे थे भागलपुर पूर्णिया से। पूर्णिया से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बांका बालू लोड करने। खाली गाड़ी पर? हाँ। क्या नाम हुआ? राजेंद्र यादव। घर का हुआ? घर नवादा जिला पार्टी। और मारपीट भी किया है? यहाँ फाड़ दिया, यहाँ फाड़ दिया, यहाँ फाड़ दिया। क्या लोग था वो लोग? दो तीन लोग हम देखे हैं। हथियार उतियार भी था? हथियार दो गो रिवाल्वर था, उसी रिवाल्वर से मारा है। यहाँ पटक के जो हमारा सास जब वो लोग भागा के दर देखे? हाँ, गाड़ी के पीछे भागा, उधर भागलपुर की तरफ। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के महौता गांव में आम के पेड़ से गिरने के कारण एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी महौता गांव निवासी दिलीप शर्मा का प्राथमिकी उपचार रेफरल अस्पताल में डॉक्टर पंकज कुमार के द्वारा किया गया। वहीं जख्मी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। मामले को लेकर जख्मी के परिजनों ने बताया कि युवक महौता गांव स्थित बगीचे में आम के पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ा था। अचानक पैर फिसलने के कारण युवक अनियंत्रित होकर पेड़ से जमीन पर गिर गया। जख्मी युवक का उपचार कर रहे डॉक्टर ने बताया कि युवक के सिर में गहरी चोट आई है, जिसे बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अमरपुर साकुण मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो वाहन सड़क किनारे स्थित मकान में टक्कर मार दिया। हादसे में जहां एक तरफ मकान का ग्रिल व दीवार क्षतिग्रस्त हो गए तो वहीं दूसरी तरफ वाहन पर सवार 4 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी युवक मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद मुसाहिज, मोहम्मद नजाय राजा एवं मोहम्मद राज का प्राथमिकी उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल परिसर में जख्मी से मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार की रात्रि सभी लोग अमरपुर थाना क्षेत्र के दौना गाँव से अपने रिश्तेदार के घर दावत खाकर वापस स्कॉर्पियो BR10PB0596 पर सवार होकर अमरपुर होते हुए अपने गांव बांका जिला के खड़ीहारा गांव जा रहे थे। तभी चपरी मोड़ के समीप वाहन अनियंत्रित होकर विनय चौधरी के मकान में घुस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। वहीं जख्मी का उपचार कर रहे डॉक्टरों ने जख्मी की स्थिति चिंताजनक बताई है। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।